ऐसी जजा सजा में उलझने लगी हयात। दिन की तरह है दिन ना कोई रात जैसी रात। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरात। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरात। ज़मीर की हर पल है मेरी ज़ात। अब तो चलन है ऐसा कि मुमकिन नहीं निजात। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरात। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरात। क्या बुराई है इसमें? ये हराम है। Come on, Mona. मुझे इसकी एडिक्शन नहीं है, बस कभी कभार यूं ही। हराम चीज हराम ही होती, चाहे आप उसे एक बार पिए या बार बार। तो क्या आप मुझे नापसंद करती हैं? क्या जानना चाहते हैं आप? हकीकत, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। अरे बेटा, कभी कोई माँ अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देती। नहीं आपा जी, मैं अम्मा से हमेशा झगड़ती थी कि वो खाना चुरा कर हमें हराम क्यों खिलाती है, और अब काशिफ घर में हराम कमा कर लाते हैं, बल्कि उस घर में धड़ल्ले से हराम कमाया और खाया जाता है। तुम कहाँ गई थी अलीना? देखो, कुदरत ने हमें मिला दिया है, तो हमें इस साथ को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। Yeah, I think so. तुमने शराब पी रखी है? सब पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। I don't believe this. तुम इस हद तक भी जा सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। सब मुझे धुतकारते। अलीना प्लीज, अलीना तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है। उसे पहले वाली अलीना चाहिए थी, बुरके वाली, बहुत खूबसूरत, सादा। वो खूबसूरत भी है और गरीब भी। कौन, किसकी बात कर रही हो? पुरानी वाली अलीना। अलीना, आई थिंक यू आर नॉट इन योर सेंसेस, प्लीज सो जाओ। यू मीन आई एम मैड? आई थिंक यू नीड रेस्ट। नो रेस्ट, डेथ। प्लीज स्टॉप इट। Stop what? ये फस करना। You mean I'm fussy? Stupid, mad. What am I? कौन हूँ मैं? बताए ना मुझे। सुबह बताऊंगा, सो जाओगी तुम। फोन देना मुझे।
कर रही हैं यहाँ पर? वो सफाई कर रही हूँ। Yes, Mr. David. तुम्हें कितनी बार कहा है कि दरवाजा नॉक करके आया करो और असद की मौजूदगी में यहाँ आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, समझी? वो मैं तो सफाई करने आई थी। जाओ यहाँ से अब। कुछ नहीं। होगा भाई। यार तू तो बड़ा जीत रहा है आज। तू क्या देख रहा है, तू भी आजा खेल ले। अबे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं। या तो एक काम करना, तू घर जा, घर जाकर पैसे लेके आ, खेल हमारे साथ एंजॉय कर। देख, इससे तेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि तेरी सारी जेबें जो है ना नोटों से भर जाएंगी। अच्छा अच्छा तो तुम लोग गेम शुरू मत करना, मैं बस अभी गया और अभी आया। ठीक है, आ जाओ। मुन्नी, अम्मा कहाँ हैं? अम्मा सौदा लेने गई है। इसका मतलब उसे तनख्वाह मिल गई है? नहीं, वो धार लेने के लिए गई है। मैं समझ गया उसने पैसे कहाँ रखे होंगे। राशिद, राशिद अम्मा को बहुत काम है। राशिद मेरी बात सुनो, बिल भी देना है। राशिद मेरी बात सुनो, राशिद राशिद रुको, मेरी बात सुनो। राशिद अम्मा को बहुत खर्चे हैं। राशिद, अरे अरे राशिद कहाँ जा रहे तू? तुझे क्या हुआ? वो राशिद पैसे लेकर चला गया। क्या? कोई बात नहीं, उसको जरूरत होगी वापस कर देगा। और अगर उसने ना दिया तो मैं बेगम साहिबा से ले लूंगी। अम्मा तू राशिद को क्यों मना नहीं करती है? अरे उसका कौन सा बाप बैठा है जो उसकी जरूरतें पूरी करेगा। मैं ही हूं ना, मैं ही तो करूंगी। जा तू अपना काम कर। Excuse me. That's mine. इसीलिए फेंकने जा रहा हूँ। You have no right to interfere in my life. कौन हूँ मैं? बोलो। कौन हूँ मैं? क्या रिश्ता है मेरा और तुम्हारा? कोई रिश्ता नहीं। क्या? क्या कहा तुमने? कोई रिश्ता नहीं? मेरा किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे कुछ नहीं लगते। मैं पहले भी तनहा थी और अब भी तनहा हूं। किसे बेवकूफ बना रही हो? मुझे, अपने आप को या सबने तो मुझे पपेट बना के रखा हुआ है, जो जैसा चाहता है ट्रीट कर चला जाता है। और मैं कौन हूं? मुझे कैसे ट्रीट कर रही हो तुम? ये कैसा रिलेशनशिप है जिसमें कोई नहीं जानता कि वो दूसरे के लिए क्या है? Thank you.
कहाँ हैं आप असद? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आपका इंतजार कर रही थी। नहीं मोमना, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, एक इम्पोर्टेंट डेलीगेशन आया है, उनसे मीटिंग बहुत जरूरी है। ओह कम ऑन स्वीटहार्ट, डोंट बी सो डिसअपॉइंटेड। नहीं आई एम फाइन। तो भी प्यार से बोलो ना। क्या? आई लव यू। आई लव यू। अच्छा I'll try जल्दी आने के लिए, तुम तैयार रहना। ओके बाय। सना आप यहाँ कब से खड़ी हैं? वो बहुत देर से खड़ी हूँ, असल में बेगम साहब आपको बुला रही हैं। अच्छा मैं आती हूँ। सना आइंदा कमरे में आने से पहले दस्तक जरूर दे देना। लेकिन मुझे तो कहीं भी दस्तक देके जाने की आदत ही नहीं है। अगर आदत नहीं है तो आदत डाल लो। कोशिश करूंगी, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। असद सोई नहीं अभी, फिर शराब पी है। कमाल यार मोमना, क्या तुम बात बात पे शराब की रट लगाए रहती हो? You know, it's not even fair. Look at you. You look so beautiful, Maya. Let's not face this. Problem kya hai yaar tumhare? Ab banda business meetings mein jayega to kuch to karega na. I mean, it's really very common in our society. You know, it's not a big deal. क्या आपका खुदा कोई और? क्या सारे अहकाम हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है असद? मुझे गिल्टी कॉन्शियस कराना चाह रही हो ना? अगर आपने कोई गलत काम ना किया होता तो आप गिल्टी भी महसूस ना करते। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने शराब पी के। हाँ हर हराम नशे का इस्तेमाल इंसान को गुनाहगार बना देता है। बहुत बुरी बात है। I'm sorry. असद ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कभी दोबारा शराब नहीं पीऊंगा। असद कभी इस हराम चीज को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं उस हराम चीज को कभी दोबारा देखूंगा भी। I'll never even touch it again. I'm really sorry. मैं छोड़ दूंगा शराब। सच कह भाई असद, मैं दोबारा कभी शराब बाहर नहीं लगाऊंगा। मैंने आपको माफ कर। बेटा ये असद मियां कहाँ रह गए? नाश्ता ठंडा हो रहा है। दादू वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे। क्या रात को बहुत देर से घर आए थे? जी दादू, वो मीटिंग के सिलसिले में बहुत बिजी थे। गुड मॉर्निंग दादू। मॉर्निंग बेटा, जीते रहिए। उमना चाय दीजिए।
बेटा इन दिनों तो खुशी से चेहरे पर शफक फूटती है, आप लोग मुझे इतने उदास क्यों लग रहे हैं? उदास नहीं तो दादू, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। क्यों मामा? नहीं बेटा, आप बहू बेगम को कहीं घुमाने फिराने ले जाया कीजिए ना, सारा दिन घर में रहती हैं। मैं तो काफी अरसे से मोमना से यही कह रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड चलते हैं हनीमून के लिए, लेकिन वो आपके बगैर कहीं जाना ही नहीं चाहती। नहीं बेटा, ये तो आपकी खुशियों के दिन हैं, हमारा वक्त था वो आपके दादा मरहूम ने हमें बहुत ऐश कराया। दादू, मैं आज अपनी अम्मी के घर जाना चाहती। हाँ हाँ, दफ्तर जाते वक्त बहू बेगम को उनकी वालदा के यहाँ उतार दीजिएगा, काफी दिन हो गए गई भी नहीं है, उनकी वालदा उदास हो गई होगी। जी मैं तैयार। असद मियां, दुल्हन बेगम को खुश रखा कीजिए, किस्मत से हमें बहुत अच्छी लड़की मिल गई है, उन्हें कभी उदास ना होने दीजिएगा। जी दादा। तुम नाराज हो मुझसे? पहले थी मगर अब बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? जब कल आप ड्रिंक कर कर आए थे ना, तब मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, लेकिन फिर आपने जब मुझसे वादा किया तो मेरी सारी नाराज़गी दूर हो गई। कैसा वादा? क्या आपको याद नहीं कि आपने मुझसे क्या वादा किया था? आई डोंट रिमेम्बर, पता नहीं क्या कहा था तुमसे। क्या कहा? मुझे याद नहीं है, मैंने पता नहीं क्या कहा, तुमने पता नहीं क्या समझा। अगर आपने ड्रिंक ना की होती तो आपको अच्छी तरह याद होता कि आपने मुझसे क्या कहा था। ना प्लीज, ये छोटी सी बात को हमारे दरमियान का इशू मत बनाओ, इससे हमारा रिश्ता खराब मत करो। जो चीज घर और जिंदगियों को डिस्टर्ब करते ना, उससे रिश्ते खुद ब खुद खराब हो जाते। कभी भी अगर मैं आपको नाहक मना करूँ तो आप मुझे रोक सकते हैं। भाईजान, मैं कल वापस अमेरिका जा रहा हूं, सोचा जाने से पहले आप लोगों से मिलता जाऊं। क्या बात है, आप लोग कुछ नाराज लग रहे हैं। क्या कहें तुमसे, शायद हमारे किस्मत में ये लिखा था। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। शाकिर अली, अगर तुम्हारी बेटी इतनी बिगड़ी हुई और आवारा थी तो तुमने इसे गले से उतारने के लिए हमारा ही इंतखाब क्यों किया? न जाने मुझसे कहां कोताही हो गई कि वो ऐसी। इसे कोताही मत कहो, तुमने हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया, जुल्म किया है हमसे सब कुछ छुपा के। क्या मैंने आपका घर का सुकून बर्बाद किया है? ये तो सारी पापा की वजह से हुआ। सारी पापा की जाती है, मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम हमारे मुजरिम हो, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं आपसे, तुम्हारे गुनहगार होने के लिए सबूत काफी है कि तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं। आप ठीक कहती हैं भाभी,
ना मैं अपनी बेटी को डिफेंड कर सकता हूँ ना अपने आप को। हम दोनों ही आप लोगों के काबिल नहीं। शाकिर अली, इंसान जिंदगी भर दूसरों के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां करता है ना, वही सब कुछ वापस पलट के उसकी तरफ जरूर आता है। जिस तरह तुमने नुसरत के साथ उसकी जिंदगी में जुल्म किए, उसकी आंखों के सामने उसकी बहन के साथ अफेयर चलाया, वही अब तुम्हारी औलाद के सामने आ रहा है। वही जुल्म और ज्यादतियां अब तुम बर्दाश्त कर रहे हो। हाँ, मैं ही आप सब लोगों का गुनहगार हूं। याद रखो, इंसान समझे या ना समझे, उसके गुनाह हमेशा उसके ताकुब में रहते हैं। वो तुम्हारा वक्त है, अब ये अल्लाह का वक्त है। और एक चीज याद रखना, अल्लाह जब छूट देता है तो पूरी छूट देता है, लेकिन जब वो पकड़ करता है तो उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। याद रखो। प्लीज भाईजान, मुझे माफ कर दे। अलीना को मेरी नहीं, नुसरत की बेटी समझ के अपने गले के साथ लगा लीजिए। अरे, हम उसके क्या क्या ऐब छुपाए? जितने छुपा सकती हैं भाभी। ये मुझ पर एहसान होगा आप लोगों का, क्योंकि एहसान करने वाले दूसरों के नहीं, अपने जर्फ को देखते हैं। तुम जब भी आते हो हमें आजमाइशों में डाल देते हो, कभी जायदाद के लिए कोर्ट में रुसवा करके, और अब बेटी के जरिए हमारे घर का सुकून बर्बाद करके। मैं बहुत बदकिस्मत इंसान हूँ भाभी, जो हमेशा से दूसरों के लिए आजमाइश बना। माफी की कोई सूरत तो बताएं भाईजान, कुछ तो बोले भाभी। जब कहने को कुछ ना रहे तो उसका फैसला वक्त करता है। इन हालात में भाईजान आप ही मेरी आखिरी उम्मीद। न जाने अलीना की किस्मत में क्या लिखा, लेकिन हर फैसला करने से पहले उसे मेरी नहीं अपनी बेटी समझिए। हाँ नहीं तो आगे बड़ी बातें सुनाने वाली। किसे बातें सुना रही अम्मा? अरे गुड्डू की अम्मा को और किसको? क्यों? अरे वो कह रही है कि शकुरे की दुकान से जो पैसे चुराए वो तूने चुराए। रीना, ये क्या कर रही हो? देखो देखो, मेहमान आएंगे तो उनको कंपनी तो देनी पड़ेगी ना, और फिर मैं कौन सा रोज रोज पीता हूँ। अच्छा, अगर मेहमान रोज आएंगे तो आप रोज ऐसे ही ड्रिंक करेंगे? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अरे बेटा, वालेकुम सलाम। मेरी मोमिना आई है, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। वापी, आज तो आप बहुत फ्रेश लग रही हैं। लगता है सितवत आंटी का रंग आप पर भी चढ़ने लगा है। अच्छा चलो, जाओ जाके बहन के लिए पानी लेकर आओ, फिर बाद में बातें करना। और सुनाओ मोमिना, ससुराल कैसा है? तुम ठीक तो हो ना? सब बहुत अच्छे। और असद का बताओ, उसकी तबीयत कैसी है, उसकी आदतें कैसी हैं? तुम उसके साथ खुश तो हो ना बेटा? वो भी बहुत अच्छे। मोमिना, क्या बात है बेटा, ये असद के नाम पर तुम्हारी आंखों में उदासी क्यों उतर आई? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे बस। आपी, सारा मोहल्ला आपकी किस्मत पर रश करता है, और कुछ लोग तो हसद भी करते हैं। दुआ करो बेटा, अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। अच्छा, अब तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं जरा सब्जी वब्जी ले आऊँ बाजार से पकाने के लिए। हाँ असद भाई कैसा है, और आपको क्लास डिफरेंस होने की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? कभी भी नहीं होती। अच्छा ये बताएं, आप दोनों घूमने फिरने कहाँ जा रहे हैं? घूमने फिरने? असद कह रहे थे स्विट्जरलैंड जाएंगे, लेकिन फिर मेरा ही मूड नहीं बना। स्विट्जरलैंड? वापी, आप तो कभी शहर से बाहर नहीं गई, और अल्लाह मियाँ आपको स्विट्जरलैंड भेज रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जा रही।
वैसे अल्लाह भी बदशौक लोगों को हर चीज से नवाजता है और जिनको जौक शौक होता है उनको महरूम रखता है। अल्लाह करे कि तुम्हारा शौहर भी ना तुम्हें बहुत घुमाए फिराए और वो असद भाई जैसा भी हो। अल्लाह ना करे। क्यों? मेरा मतलब है कि वो असद से भी बहुत अच्छा। क्यों? असद भाई जैसा क्यों ना? क्या आप नहीं चाहते कि मेरा नसीब भी आपकी तरह अच्छा हो? मैं ये मतलब नहीं था। मैं आपका मतलब अच्छी तरह जानती हूँ। आप चाहती हैं जो कुछ आपको मिला है वो किसी और को ना मिले। अरे अरे किसमें हिम्मत है जो मेरे बेटे राशिद के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाए? चोरी खुद करे और इल्जाम मेरे बेटे पे लगाए? कोई ये ना समझे कि मेरा बेटा यतीम है जिसका जो दिल चाहे इल्जाम लगा दे। मैं भी पुलिस स्टेशन जाके वो बयान दूंगी कि लेने के देने पड़ जाएंगे। समझते क्या है अपने आप को? हाँ नहीं तो आगे बड़ी बातें सुनाने वाली। किसे बातें सुना रही अम्मा? अरे गुड्डू की अम्मा को और किसको? क्यों? अरे वो कह रही है कि शकुरे की दुकान से जो पैसे चुराए वो तूने चुराए। उसे कैसे पता चला? मुझे क्या मालूम, सारा मोहल्ला कह रहा है और ये आग ये गुड्डू की अम्मा लगा रही है। अम्मा अगर शकुर भाई को पता चल गया ना तो मुझे मार मार कर मेरा भुर्ता निकाल देगा। अरे किसकी इतनी हिम्मत है? मुझे उससे बहुत डर लगता है। तू इसमें बाकी पैसे मिला के 5,000 पूरे करके उसे दे देना। क्या तूने? हाँ ऐसे ही वो मजाक में उसे तंग करने के लिए ले लिए थे। अरे तो मुझे पहले बताना था ना, खामखा मेरा झगड़ा गुड्डू की अम्मा से करा दिया। अब तो पता चल गया ना, संभाल लेना। पर ये तो 2,500 रुपए। अम्मा शकूरा बड़ा जालिम है, मुझे उससे बड़ा डर लगता है। अच्छा तू फिक्र ना कर, मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हुए, वो इसमें डाल के दे दूंगी। अम्मा तू राशिद को उसकी हरकतों पे मारती क्यों नहीं है? तू चुप रह, बड़ी को तो मैंने ठिकाने लगा दिए, तुझे भी अब घर से बाहर निकाल दूंगी। अम्मा तू चुप, ये जो मेरे दिमाग है ना इसमें भी भेजा है, मैं भी सोच सकती हूँ। बड़ी आई समझाने वाली, चल बेटा। मोमिना, मोमिना बेटा, ऐसा मालूम होता है आज आप बहुत थक गई हैं। जी दादू, लेकिन असद की फरमाइश थी कि खाना मैं अपने हाथों से बनाऊं। मेहमान पाकिस्तानी खानों के बहुत शौकीन हैं। तो क्या मेहमान गैर मुल्की हैं? जी दादू। ए लीजिए, तो फिर तो असद को चाहिए था कि उनको किसी होटल में ले जाते, वहाँ खाना खिला देते, आपको खामखा थका दिया। दादू असद ने मुझसे कभी कोई फरमाइश नहीं की, अब उन्होंने की तो मैं इनकार कैसे कर सकती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी और असद की मोहब्बत देख के हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा इंतखाब खूबसूरत भी है और लाजवाब भी। आपकी सूरत में तो अल्लाह ने हमें एक तोहफा दे दिया। अरे छोटी बेगम आप यहाँ बैठी हैं, कोई काम तो नहीं है? अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं देखती हूँ। क्या मेहमान खाना खा चुके? जी वो खा रहे हैं, मैं इसीलिए आपके पास आई थी। मैं ये पूछ रही थी कि खाने के बाद कुछ और तो नहीं पेश करना है? हाँ तो फिर आप ऐसा कीजिए, बावर्ची खाने में चली जाइए और ये देखिए कि वहाँ किसी चीज़ की कमी ना होने पाए, और बाकी आप खुद ही संभाल लीजिएगा। ठीक। और बहू बेगम आप भी अपने कमरे में चली जाइए, वहाँ आराम कीजिए, आप बहुत थक गई होंगी। नहीं दादी, जब तक मेहमान नहीं चले जाते मेरा ध्यान उधर ही रहेगा। असद मेहमानों के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, मैं खुद जाकर देख। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये अच्छी बहू मिल गई। बुआ क्या आज तो मैं हैरान रह गई। क्या हुआ, क्यों हैरान रह गई?
असद साहब अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे। दिमाग खराब है, कैसी बातें करी, पागल हो गई क्या? खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है, यही गिलास थे या जाने कोई और थे। इनमें तो बिल्कुल बू नहीं, शराब की तो बहुत बदबू होती है। तुमने कभी चखी है क्या? दिमाग खराब हो गया, अल्लाह माफ करे, मैं क्यों चखने लगी ऐसी हराम चीज। लेकिन मुझे तो बड़ी परेशानी हैरत इस बात की हो रही है कि हमारे असद मियां ये भी करते हैं। कितनी बदनामी होगी, खानदान में तो कभी किसी ने इस चीज को हाथ भी नहीं लगाया। बेगम साहबा को पता लगेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। पता नहीं बहू बेगम को इसकी खबर है या नहीं। बुआ, शराबियों की बीवियों को सब खबर होती है, बस शर्म से छुपाती हैं। शोहरों की इज्जत जो रखनी होती है। हमारी बहू बेगम तो बहुत मजहबी, कैसे बर्दाश्त करेंगी? अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो सोच रही हूँ सना का यहाँ आना जाना कम कर दूँ। शराबियों का क्या भरोसा, शराब के नशे में कुछ कर ही बैठे। हमारे असद में ऐसे नहीं है, हमारे असद में तो बहुत अच्छे हैं। किसी बात ही कर रही है? लाख अच्छे सही, मगर हैं तो शराबी ना। कम वक्त मारे अगर शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो सही किया कर, बात अच्छी कर ले। तुमने वो मिसाल नहीं सुनी, शराबी सबसे बड़ी खराबी। शक्ल ना अच्छी हो तो बकवास ना कर, मुंह तो अच्छा रख ले। छोड़िए मेरा हाथ। क्यों नाराज हो रहे हो आप? आप नहीं जानते कि मैं क्यों नाराज हो रही हूँ आपसे? देखो मेहमान आएंगे तो उनको कंपनी तो देनी पड़ेगी ना, और फिर मैं कौन सा रोज रोज पीता हूँ। अच्छा, अगर मेहमान रोज आएंगे तो आप रोज ऐसे ही ड्रिंक करेंगे? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ये रोज रोज की पक पक, रोज रोज की झिकझिक नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। ये सब कुछ इस सोसाइटी का हिस्सा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। गॉड डैम इट, नहीं अच्छा लगता तुमको ये सब कुछ, नहीं अच्छा लगता तो छोड़ दो मुझे, जाओ अपनी माँ के। अरे मरियम आओ बेटा, ये देखो, ये मैं दो सूट लाई हूँ, हमीदा लाई थी बाज़ार से, मैंने एक मोमना के लिए और एक तुम्हारे लिए पसंद किया है। ये ज़रा चमकीला है ना जो, ये मैंने मोमना के लिए पसंद किया है। अगर आप मोमना आप ही के लिए पसंद कर ही चुकी हैं तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्या हो गया मरियम, इसमें नाराज़गी की क्या बात है? क्या हर अच्छी चीज़ सिर्फ मोमना आप ही के लिए है? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम दोनों बहनें हो बेटा, मैं तुम दोनों में फ़र्क क्यों करूँगी? अगर आप फ़र्क ना करती होती ना तो मोमिना आप ही के लिए पहले से ये सूट चूज़ ना करती। देखो बेटा, उसकी नई नई शादी हुई है तो नई नई शादी के दिनों में ये चमकीले कपड़े ज़रा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने उसको ये पसंद किया। और मुझे ये सादे कॉटन के सूट, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ और आप ही की तरह नहीं हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? बेटी हो तुम मेरी, ऐसा क्यों सोचती हूँ मैं, क्यों सोचूंगी ऐसा भला? आप सिर्फ मोमिन आप ही से प्यार करती हैं और मुझसे? तुमसे प्यार नहीं करती, ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? पहले मैं भी यही समझती थी, मगर अब
अब क्या हो गया? अब मैं जान गई हूँ, आपको भी और आप ही को भी। तुम लोग मुझसे कुछ खफा लग रहे हो। अलीना कहाँ है? अलीना अपने कमरे में। तुम लोगों ने उसे कबूल नहीं किया क्या? हमने उसे कबूल नहीं किया या उसने हमें किसी काबिल नहीं समझा? क्या मतलब? आपकी जल्दबाजी के फैसले ने मेरी सनी की जिंदगी और घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया। हेलो नगीन, जस्ट वेट, आई एम कमिंग, बाय। अलीना कहाँ जा रही है तुम इस वक्त? आपको इससे मतलब? हमारे घर की बहू बेटियां यूं अकेले बाहर नहीं जाया करती हैं। आपके घर की बहू बेटियां क्या करती हैं, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं अपने आप को किसी के लिए बाउंड नहीं कर सकती। अब बताइए किसका कसूर है? मेरा। मैंने इसे नुजरत की बेटी समझकर फैसला किया था, लेकिन नहीं जानती थी कि नुजरत तो मर चुकी है और इसकी तरबियत नुदरत ने की है। पापा, इंसान कुछ और सोच रहा होता है लेकिन असल फैसला तो अल्लाह ने करना होता ना, तो इसमें आपका क्या कसूर? जो किस्मत में लिखा था वही होना था। बेशक फैसले वही करता है, लेकिन इनको मनवाने में इंसान भी काफी हद तक जिम्मेदार होता है और मैंने ही ये। अब क्या किया जा सकता है, जो हमारा नसीब था वो तो हमें मिल गया। देखो किश्वर, औलाद अगर बिगड़ जाए तो उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, उसे छोड़ नहीं देते। औलाद चाहे तो फिर ना, औलाद को ना समझे, वालदैन को चाहिए कि उसे समझाएं, उसे सीधे रास्ते पर लाएं। और अगर औलाद इतनी हट धर्म हो कि अपनी हर बात को ठीक समझे, फिर? इसीलिए तो कुदरत ने औलाद को आजमाइश कहा है, और इस आजमाइश से गुजरने के लिए इंसान को सरधड़ की बाजी लगानी पड़ती है। मैं भी कोशिश करूंगी उसे समझाने की, और तुम लोग भी समझाना। अब आप हमसे क्या चाहती हैं? तुम्हारे सब्र और ज़र्फ का मुज़ाहरा। अच्छा, सब कुछ हम ही करते जाएं और वो हमारी बात सुनना भी गवारा ना करे। भड़कती भी आग को बुझाने के लिए सबको मिलकर उस पर पानी डालना पड़ता है। नाजिर अली, तुम उसे बहू के बजाय बेटी समझकर अगर दरगुजर करोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रशीदा, तुम अभी तक इधर ही हो? मैं तो समझ रही थी चली गई हो। वो जी बस जा ही रही हूँ मैं। वो खुरम का फोन आया, दोस्तों के साथ आ रहा है, जरा ड्राइंग रूम की डस्टिंग तो करके आओ। जी अच्छा जी। जब भी गोश्त पकाती हूँ कम क्यों हो जाता है? क्या रशीदा? बेगम साहिबा, मैंने सफाई कर ली, और कोई काम नहीं। तो फिर मैं जाऊँ? रशीदा, मेरे कमरे में जाके ना पर्स से पैसे निकालो और चीनी ला दो, जरा खत्म हो गई है। जी अच्छा। अब मुझे रशीदा पे नजर रखनी चाहिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वह चोर हो सकती है।
रीना, ये क्या कर रही हो? स्मोकिंग। तुम बहू हो इस घर की, ससुराल है ये तुम्हारी। तो मैं क्या करूं? तुम अपनी हैसियत को पहचानो। मेरी कोई हैसियत नहीं है। तुम इस खानदान की इज्जत हो। इज्जत? वो क्या होती है? हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरा। कैसी माँ है तू? तुझे जरा भी अपनी बेटियों का एहसास नहीं? बात सुन, जब तू 6 साल की थी ना, जब से यतीम हो गई थी और मैं जब से मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों को पाल रही हूँ, उसका तुमने क्या सिला दिया है जो आज ये सवाल कर रही है? तुम मोमिना से हसद करती हो? हाँ, आखिर आप ही में ऐसी क्या खास बात है जो अल्लाह ताला ने सब कुछ उनको नवाज दिया है? इंसान अपने नसीब से कभी नहीं लड़ सकता बेटी, और हसद करने से कुछ हासिल नहीं होता। तुम तो मुझे हौसला देती हो, तुम खुद ही हौसला हार बैठी। मैं हौसला नहीं हार, मगर फूफो इतनी बेइज्जती करती हैं कि तुम्हारा ये रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। तो फिर मुझे छोड़ दो। क्या ऐसी जजा सजा में उलझने लगी हयात, दिन की तरह है दिन ना कोई रात जैसी रात, हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरात, हर एक रास्ता मुझे लगता है पुल सिरात।